राम विसारा ने तो क्वेश्चन नंबर 78 तक पिछली वीडियो में हो चुके थे, दो पार्ट करा चुका मैं राकेश यादव क्लास नोट्स के, हिंदी में अपनी ये सीरीज चल रही है, सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में कराए जा रहे हैं। ठीक है, 78 तक क्वेश्चन हो चुके थे, इसमें 79th क्वेश्चन करेंगे हम। तो 79th क्वेश्चन में देखो एक बार क्या कह रहे हैं। अरे भाई जितनी भी वीडियो आप शेयर कर दिया करो जरूर। तो 79 क्वेश्चन है, 5625 रुपये को ए प्लस बी प्लस सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी प्लस सी के आधा धन मिलता है, बी को ए प्लस सी के 1/4 धन मिलता है। तो ए प्लस में बी का धन हमें ज्ञात करना कि भाई ए प्लस बी को कितना मिला, मतलब ए और बी को दोनों को मिला कितना। तो जो हमारे पास जो टोटल मनी है वो है 5625, वो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो ए को बी प्लस सी का, ए और बी प्लस सी का जो रेशियो है धन का जो मिल रहा है, आधा मिल रहा है। मगर मतलब क्या है, अगर बी प्लस सी को 2 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, ए को बी प्लस सी से आधा धन मिलता है, तो ये हमने कंडीशन प्रूव कर ली। उसके बाद जो अगली चीज़ है, बी को ए प्लस सी का 1/4 मिलता है, मतलब एक बी को मिल रहा है, चौथा 4/4 इसको मिल रहे हैं, तो हमें ए प्लस में बी का धन ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू मान कर चलूँ कि 1 है, बी प्लस सी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता सकता हूँ मैं कितनी होगी, 2 और 1 3। इसी तरीके से इसमें ए प्लस में सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू बता सकता हूँ कितनी होगी, 4 और 1 5 के बराबर, सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 3 है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, तो ये सेम बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक ही चीज़ की 2 अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, और इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर देखो इसको 3 से कराया तो ये भी 3 से, ऊपर वाला भी 3 से, अगर इसको 5 से कराया तो ये वाला भी 5 से, और ये वाला भी 5 से। तो यहाँ पे देखो ए की जो वैल्यू निकल कर आ गई आएगी 5, बी प्लस में सी की वैल्यू निकल आ गई 5 × 2 = 10, उसी तरीके से बी की जो वैल्यू निकल कर आ गई वह है 3, और ए जमा में सी की जो वैल्यू आ गई निकल कर 4 × 3 = 12 के बराबर। इब यहाँ पर अरे ए प्लस में बी प्लस में सी की जो वैल्यू सेम हो जाएगी दोनों में, जो कि है 5 × 3 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए की बी की और सी की इंडिविजुअली हमने निकालनी है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पता लगी, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है जो कि दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 3 है, तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, अगर ये दोनों की या बी की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ 3, और सी की वैल्यू हमें पता नहीं, = 10, तो सी की वैल्यू 7 और 3 = 10, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7। देखो 7 और 3 = 10 और 5 = 15, तो ये हमारे पास टोटल 15 के बराबर आ गया। इब जो इनका टोटल सम दे रखा है वो दे रखा 5665, मतलब इन तीनों का सम जो कि 5 और 3 8 और 7 15, तो जो 15 है ना यूनिट ये बराबर दे रखी है 5625 के बराबर, तो यहाँ पे एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 5625/15 या आ गई। इब हमने निकालने की इसके है ए प्लस में बी का धन हमने ज्ञात करना है, मतलब 5 और 3 8 8 यूनिट का, तो गुणा में कर देंगे हम इसमें सिंपली 8 था, तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 तक काटता हूँ पहले हमें इसने, तो 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5, 1 बज गया, 5 × 2 = 10, 2 बज गया, 5 × 2 = 25, फिर 3 पर काट के देखते हैं अपने पास, 3 × 3 = 9, 2 बज गया, 3 × 7 = 21, 1 बज गया, 3 × 5 = 15, तो 375 आया एक यूनिट का। हमने 8 का निकालना, मतलब ए और बी का सम, तो 375 × 8 तो आ जाए 8 × 5 = 40, 7 × 2 = 56, और 4 अपने पास 60, 3 × 8 = 24, 24 और 6 अपने पास 30, तो हमारे पास ए और बी का जो धन मिला का कितना आया 3000 के बराबर, 3000 रुपये। उसके बाद भाई अपने पास है क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत बढ़िया है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखा ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात देगा 3:4:5, जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दे रखा है 4:5, या पिछले वर्ष की है 4 और 5 है इस वर्ष की, 2:3 3:4। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है तो बी प्लस में सी की वर्तमान आय अपने ज्ञात करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, इसमें सिंपल नहीं है। मान के चलो हमने अगर 2010 में किसी बंदे की जो आय का अनुपात है ए और बी, ए बी और सी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए, 2010 में जो अनुपात है वो हमारे पास 3:4:5 के बराबर। उसके बाद क्या करें, जबकि उनकी पिछली वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, पिछले वर्ष मतलब 2010 2011
वर्ष का अनुपात, ठीक है, ए का क्या है 4:5, बात न समझनी कोशिश करना, बी का जो है 2:3, यहाँ पे क्या है 3:4। इंडिया देखो भाई 2010 का 2011 से अनुपात है ए का, यो 2010 का 2011 का अनुपात है बी का, यो 2010 और 11 का अनुपात है सी का, ठीक है 3:4, मैं इसमें ऊंचा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ना थोड़ा समझ में आ सके। एक बार मैं को इसको बढ़िया डाल अरेंज करके लिख देता हूँ सफाई का। तो इसने देखो भाई ध्यान तक कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये 2010 की जो हमारे पास सैलरी का जो रेशियो था ये वाला, अरे ये वाला सिंपल सी बात है सेम होगा। अब हम ये सेम कैसे बनाएंगे, अगर देखो इस पूरी पूरी इसको मतलब किसी से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो यह पूरी की पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों के तीनों आपस में रेशियो में है, तो हम ये दोनों के दोनों इक्वल बनाने हैं ये वाली चीज़, और इसको ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो सिंपली कुछ नहीं करना, 5 का 4 का 3 का एलसीएम ले लो, समझ गए, तो अपने पास 5 4 3 का एलसीएम, तो एक ऐसा नंबर निकाल के लाना है कि हमने भाई इनसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इनको भी मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर देखो भाई 12 लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ पहले को भी, अगर एक से मल्टीप्लाई करें तो सारा को 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो 12 3 36, 12 4 48 और 12 5 60। ये हमने क्या करना है, देखो यह वाली चीज़ है ना इसके सेम बनानी है। देखो पहले यहाँ पर 3 था, 4 को हम 3 के बराबर नहीं बना सकते, 2 को हम 4 के बराबर बना सकते हैं, 3 को 5 के बराबर नहीं बना सकते। ये देखो 4 को हम 36 के बराबर बना सकते हैं, बना सकते हैं, 2 को 48 के बराबर बना सकते हैं, बना सकते हैं, 3 को 60 के बराबर बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, बस इसमें देखो ये रेशियो कोई भी नहीं है, ये भी 2010 और 11 की रेशियो है यहाँ पे, या अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला भी ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होगा, तो ये रेशियो का ये मतलब होता है, अगर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये जो 2010 की जो सैलरी यहाँ पर 4 या 36 की, तो हमने सेम बनानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे के पूरे, जो यो भी 9 से होगा, यो भी 9 से होगा नीचे वाला, उसी तरीके से यो वाला अगले वाला, यो 48 है तो 48 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 24 × 48, अरे नीचे वाला भी 24 से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 30 3 है, और हमारे पास जो सैलरी है 2010 की सी की, वह यहाँ पर 3 देर की, यहाँ पर 60 देर की, तो क्या करेंगे हम 20 से मल्टीप्लाई, 20 थी हो जाएगा 60, तो ऊपर वाला करें तो नीचे वाला भी हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। देखो 9 चौक 36, 24 × 48, 20 थी 60, देखो ये सैलरी होगी सेम, या सैलरी होगी सेम, या सैलरी होगी हमारे पास सेम, या जो 2010 की सैलरी 11 की सैलरी है वो हमारे पास निकल के आएगी, और उसका जो सम था अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय दे रखी है 98,500, इनका जो सम है वो दे रखा है 98,500 के बराबर, तो बी प्लस में सी की वर्तमान आई, वर्तमान आए हम ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इसी ने सोल्व कर लें, 5 निम 45, 24 थी 24 न करते 3 चौके 12, 1 3 2 6 1 7, तो 72 आ जाएगा, जमा में 20 × 4 4 2 8 मतलब 80 के बराबर इज इक्वल टू में 98,500। तो देखो 80 8 4 12 125, 125 में अगर मैं 72 जोड़ दूँ, 5 2 7 7 2 9 197 के बराबर, तो 197x इज इक्वल टू माजा 98,500 के बराबर, यहाँ पे x ले लो कुछ ले लो, बात हमारे पास एक ही है, ठीक है, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 98,500 / 197, तो मेरे ख्याल में अगर मैं 97 को 190, देखो डिवाइड कैसे करते हैं, 7 को 5 यूनिट डिजिट बनानी है, 5 तो 57 35, 57 35, 3 5 निम 45, 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, तो देखो 985 आ गया ना, तो 197 पूरा 5 पर जा गए, 985 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 500 निकल गए, इब एक्स की वैल्यू 500 आ गई थी, हमने क्या पता करना, हमने बी और सी की आय का, बी और सी की आय टोटल हमने पता करनी है, तो बी की आय कितनी है 45x, और सी की सॉरी ए की आय, सॉरी बी और सी की भाई सॉरी 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 बी की हमारे पास 72x और सी की हमारे पास 80x, तो 72x जमा में 80x जो कि बराबर हो जाए अपने पास 2 आ जाएगा सीधा यहाँ पे, 8 8 16 1 15 152x, और एक्स की वैल्यू हमारे पास है 500, तो एक्स ना हटाएगा गुणा में कर दो 500 के बराबर, तो सिंपली हमने कुछ नहीं करना, 152 ने 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10 55 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7,
तो 760 और 2 0 इसके नाम के आ जाएंगे, तो आ जाए अपने पास 76,000 के बराबर इसका आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर जो कि आया 76,000 के बराबर। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, बस हमने 2010 की जो सैलरी है ना वह सेम इसकी बनानी है, 2011 का जो सम दे रखा है वो 98,500 के बराबर दे रखा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 में देखो क्या करा है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात था 3:5, समझ गए, पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है 2:3 व 4:5, अगर उनकी वर्तमान आय 43 है तो दोनों की अलग अलग आय हमें ज्ञात करनी है। तो एक बार ये और क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो वह है, मैं 2010 की इन जो एज है जो इनकी आय है वो मान लेता हूँ, वह है 2010 की, एक वर्ष पहले 3:5, फिलहाल में मैं मान के चला 2011 चल रहा है। ठीक है, 2010 की 2011 से रेशियो जो इनकी बनेगी वो कितनी बन रही है, यहाँ पर पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है 2:3, मतलब यहाँ पर 2:3, और अगले के जो बी की जो आय का अनुपात है पिछले वर्ष से दो अगले वर्ष से में 4:5 के बराबर। ठीक है, 2:3 और 4:5, ये देखो 2010 की जो आय हमने सेम बनानी है, तो ये 3:2:3 के बराबर या 3:2 के बराबर बनाना है, 5:4 के बराबर बनाना है। तो 2 और 4 के मल्टीपल ऐसी जो हम इसने बनाना चाहिए, अगर 3 अगर 4 से मल्टीप्लाई कर 3 चौके 12, 5 चौके 20, तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये बन जाए 3 चौके 12 और 5 चौके 20। तो देखो यहाँ पर मैं इनको सेम बना सकता हूँ। ठीक है, ई भी 2010 की जो सैलरी हमने वो सेम बनानी है, तो अगर मैं इसको 6 × 12, तो दोनों को दोनों 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास सैलरी सेम हो जाएगी। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 चौक 20, और ये भी 5 5 25। ठीक है, तो 6 × 12 या हमारे पास 2010 की ए की सैलरी सेम, 5 चौक 20, 2010 की ए बी की सैलरी हमारे पास सेम। ये भी यहाँ पर 2011 की सैलरी कितनी बनी, ए की 6 × 3 18 x जमा 5 5 25 x बी की। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास रेशियो निकल गए, 18 इसकी होगी सैलरी, 25 इसकी होगी सैलरी, और इनका जो सम है वो टोटल किसके बराबर है, 4300 के बराबर। ये 18 न 25 न मैं जोड़ लेता हूँ एक बार, तो 8 और 5 हो जाए 13, 1 2 1 3 1 4, मतलब 43 x इज इक्वल टू मा जाए 4300। तो x की वैल्यू मैं बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी, 4300/43, दैट इज इक्वल टू 100 के बराबर। तो जो भी पूछ रखे हो हमें भी निकाल देंगे। तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करो, तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय, तो ए की जो वर्तमान आय वो 18 x, तो 18 × 100, दैट इज इक्वल टू 1800 के बराबर। और जो बी की जो आय है वर्तमान की वो 25 x, तो 25 × 100, तो 25 ने क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, वो कितने के बराबर आ जाए 2500 के बराबर। तो दो आंसर निकल गए, ए की जो आय आई है 1800, बी की जो आई है वही है 2500 के बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने समझ में आया, आखिरी इस टाइप का लास्ट था। तो जो हमारे पास जो वर्त सो साल सेम है उनकी आय हमने सेम करनी होती है, अगले साल की अपने आप निकल कर आ जाएगी, उसका समार को दे रखा हुआ तो उसके बराबर रख के हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जो भी पूछ रखे हैं वो कर देंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, BSC का क्वेश्चन। ए बी सी की आयु का आय का अनुपात दे रहा है 3:4, 3:7:4, वह उनके खर्चे का अनुपात दे रहा है 4:3:5। अगर ए अपनी आय का 14.2% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका बिल्कुल बढ़िया सॉल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल आसान सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए बी सी की आय का अनुपात, तो हमारे पास ए बी है और हमारे पास सी है, इसकी है आय, तो आय का अनुपात देगा 3:7:4 के बराबर। तो मैं इसको 3x मान लेता हूँ, इसको 7x, इसको 4x मान लेते हैं। खर्चे का अनुपात उसके बाद इसका आ गया खर्चा, खर्चे का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 4:3:5 के बराबर। तो इसको 4y, 3y और 5y मान, तो x नहीं मान सकते, इसको अलग अनुपात होता है, तो ये हमें y लेकर चलना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है ए, अगर ए अपनी आय का 14.2% बचाता है परसेंट, ठीक है, 14.2% को मैं एक बार खोल कर लिखता हूँ, 14 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और जमा में 2 करो, तो 14 × 7 तक करें 7 × 4 = 28, 7 × 7 और 2 × 98, 98 × 2 = 100% बटे, सॉरी 100/7%। ठीक है, परसेंट हटाओगे हमारे पास आ जाए 100, तो 100 10 हो गया, तो 1/7 आया। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद बचाता मतलब एक की बचत है, 7 इसकी आय है, ठीक है, एक की बचत है, 7 इसकी आय है,
तो यहाँ पर खर्चा ए का, ए की चल रही है बात सारे में। तो देखो सात आए हैं, एक बचाता है तो खर्चा हो जाए, सिंपल सी बात। अच्छे हैं तो खर्चे और आय का अनुपात ए का क्या है यहाँ पर? आय बटे में खर्चा ए का कितना है? 3x/4y। मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ कि ए का, ए की बात चल रही है यहाँ पर, तो ए की जो आय है किसके बराबर है? ए की आय है 7 और जो खर्चा है जो यहाँ पर 4y दे रखा है, यहाँ पर खर्चा कितना? 6 के बराबर। तो यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास निकल कर आएगी। तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर 6 3 18x इज इक्वल टू में 7 4 28y, समझ गए? एक्स बाय में वाई के लिए आएगी हमारे पास यहाँ पर निकल गए, जो कि आएगी 28/18। तो जो कट रहा है काट दो, 2 9 18 2 1 2 2 4 8। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है वाई है 14/9। तो मैं लेकर चलूँगा कि एक्स हमारा किसके बराबर है? 14 के बराबर, और वाई किसके बराबर है? 9 के बराबर, समझ गए बात ना? ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होना पता लगी सारे ने। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, एक बार हटा देता हूँ यहाँ से ये वाली चीज़ें पर, ठीक है? आपने नोट कर ली होगी अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर देखो कि इसके खर्चे का अनुपात हमने निकालना है, तो सॉरी खर्चे का नहीं, इसकी बचत का अनुपात यहाँ पर लिख दो बचत। तो देखो बचत का अनुपात कितना हो जाए, सिंपल सी बात, आय में तो अगर मैं खर्चा घटा दूँ तो बचत आ जाएगी, सिंपल सी बात है, 3x-4y। इसकी बचत कितनी हो जाएगी? 7x-3y। यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी? 4x-5y के बराबर, ठीक है? तो हमारे पास बचत का रेशियो आएगा सिंपल, या आपने कुछ नहीं करना, एक्स और वाई के वैल्यूज में पुट करनी है। तो 3×14-4×9 रेशियो, 7×14-3×9 रेशियो, 4×14-5×9। तो ये हमारे पास इसकी रेशियो निकल कर आओगी, जो कटा है वो काट देना। तो ये आपको जो क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। इसके बाद बताता हूँ मैं इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका वो थोड़ा इससे सिंपल सा है। तो ए बी सी की आय का अनुपात, मतलब हमने यहाँ पर लिख लिया आय बी और सी हमारे पास हो गया 3 7 और 4 के बराबर। उसके बाद उसका खर्चा अनुपात है 4 3 और 5 में, ठीक है? ये भी यहाँ पर कह रहा है ए अपनी आय का 14/2 2/7% बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया दिया 14/2 किसके बराबर होता है? 100/7 के, तो परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 10 हो गया, 1/7 रह गया, इसका यह हो गया अपने पास बचत और यो है आय, ठीक है? तो खर्चा और उसकी रेशियो आय होगी इसकी टोटल 7 और खर्चा हो गया उसका 6। तो जो आय और खर्चे का जो रेशियो है वो 7:6 के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर चाहिएगा, ठीक है? तो देखो हमें कुछ नहीं पता, बस हमने आय और खर्चे का जो रेशियो है ए का, ए की बात चल रही है यहाँ पे, ए का दे रखा है, ए अपनी आय का 14/2/7% बचाता है। तो हमने जो ए की जो आय और खर्चे का जो अनुपात है वो 7:6 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इन दोनों को सेम बना लो। तो ये 3 4 12, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दी इसको, 3 से मल्टीप्लाई कर, देखो ये भी 4 से हो गया, ये वाला ये भी 4 से मल्टीप्लाई, ये 3 से है तो ये भी दोनों 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये देखो ये 3 4 12, ये 4 3 12, ठीक है? ये 7:6 बनाना है आय का और खर्चे का अनुपात। तो आय हमारे 7 बनानी, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसने, और खर्चे का अनुपात 6 बनाना, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात ही। तो ये भी 7 से, ये भी 7 से, ये भी 6 से, क्योंकि ये 6 कर दिया, ये भी 6 से। तो बस हमने नंबर निकालना है, ये देखो इसको काटेंगे ना, 3 4 12 3 4 12, 7:6 रह जाएगा यहाँ पर काटोगे। देखो ए की आय कितनी है, 3×4×7, और बी ए की खर्चा कितना है, 4×3×6। तो ये दोनों तो कट गए, 7:6 हमारे पास बने। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, बस इसे हमने वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मल्टीप्लाई करके। तो 3 4 12, 12 7 7 2 14, 7 7 1 8, तो ये आय बनेगी यहाँ पर 84। 3 4 12 12 6 72, 7 7 49 49 4 मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 36, 4 4 16 3 19, तो 196। उसी तरीके 6 3 3 9 और 6 9 54, 4 4 16 16 में कर दो 7 मल्टीप्लाई, 7 6 42, 7 7 4 11, मतलब 112। अरे अजा 5 सॉरी 5 15 15 6 90,
ठीक है, तो ए की आय आ गई 84, खर्चा आ गया 12, सॉरी 72। ए बी की आय आ गई 196, खर्चा आ गया 54। सी की जो आय है वह 112, खर्चा है 90 के बराबर। तो यहाँ से हम किसकी रेशियो निकालनी थी, हमने उसकी बचत की। तो आय में तो खर्चा निकाल दो, बचत बचेगी तो ये बन जाएगी 84 में तो 72 गए, ये बनेगा 196 में तो 54 गए, और ये बनेगा 112 में तो 90 गए। तो पिछला जो आंसर है वो हमारे पास, वो अभी बताना आपको। तो यहाँ पर देखो 72 और 8 80, 8 4 12 रेशियो, 196 में तो क्या करना है 54 घटा दो 6 में तो 4 गए, 2 9 में तो 5 गए 4, तो बना कितना 142। 112 में तो 90 घटा दो अपने पास 9, 90 घटा देते हैं 2 आ गया, 9 और 2 11 मतलब बचे यहाँ पर 22। तो अगर मैं 2 पर काटता हूँ इसको तो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 6 रेशियो 71:11 अपने पास इसकी बचत का रेशियो होगा। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर अपने पास 83, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपना फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, कुत्ता खरगोश का पीछा करने लग रहा है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। मतलब खरगोश ज़्यादा फुर्ती होती है, 7 छलांग जितने में लगा उतने में कुत्ता 6 छलांग ला देगा। खरगोश द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी कुत्ते के द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। तो आपने देखा होगा SSC में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी चाल का अनुपात हमने बताना है। ठीक है, तो जो पहली बात हमने यहाँ पर नोटिस करनी है, मतलब जो पहली जो लाइन है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, खरगोश यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, खरगोश, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता उतनी देर में कुत्ता 6 छलांग लगाता, तो कुत्ते की उतने ही टाइम में कितनी छलांग आओगी, 6 छलांग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है, उतनी ही देर, मतलब यहाँ पे देखो क्या करें, उतनी ही देर मतलब, उतनी देर मतलब सेम टाइम है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर मैं 5 सेकंड लूँ, 5 सेकंड में क्या करा, खरगोश 7 छलांग लगा, कुत्ता 6 छलांग, बस हमने ये पता करना कि भाई 6 छलांग और 7 छलांग वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये बगली जो बात दिया, खरगोश द्वारा 6 छलांगों में, खरगोश की क्या करें, 6 छलांगों में तय की गई दूरी कुत्ते के 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। मतलब कहने का क्या होया यहाँ पर, खरगोश की 6 कूद कुत्ते के 5 कूद के बराबर है। इसका हमने क्या लेना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो 6 5 30 हम टोटल मान के चले हमारे पास 30 मीटर डिस्टेंस है। ठीक है, तो खरगोश को 30 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, जो स्पीड है उसकी है 6 कूद। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 5 30 मतलब, ठीक है, 6 5 30 मतलब कुत्ते की टाइम आया हमारे पास 5 मिनट का, सॉरी खरगोश के पास टाइम आया 5 मिनट का। मतलब अगर दोनों को 30 मीटर डिस्टेंस कवर करना, हमने एक कॉमन चीज़ ले ली कि अगर भाई खरगोश है कुत्ता है, इनको 30 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो जो खरगोश टाइम कितना लेगा, 5 मिनट लेगा, लेट करके चल रहे हैं, और कुत्ता कितना लेगा, 5 6 30 6 मिनट। उसके बाद भाई पास अपने पास क्वेश्चन नंबर 83, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और समझ में देखो आओगे किस तरीके से समझाता हूँ आपको। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता, आपने इस तरीके के जो क्वेश्चन है SSC में देखे होंगे बहुत ज़्यादा। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगा लेता, मतलब खरगोश फुर्ती ज़्यादा होती है, खरगोश क्या कर रहा है, 7 छलांग जितनी देर में लगा रहे हैं ना, उतनी देर में कुत्ता 6 छलांग लगा रहा है, मतलब टाइम सेम है, टाइम फ्रेम हमारे पास सेम है। टाइम अगर जून मान के चलो 1 घंटे में खरगोश 7 छलांग लगा रहा है, तो कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगा रहा है, बस फ़र्क कहाँ पावन कि 1 छलांग में डिस्टेंस कवर कितना कर रहे हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ है, खरगोश द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। मतलब क्या होया, खरगोश की तो 6 छलांग और कुत्ते की 5 छलांग बराबर है, मतलब कुत्ता 1 छलांग में फालतू डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उनकी चाल का अनुपात हमने ज्ञात करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना। ठीक है, तो जो कुत्ता और खरगोश है, अड़े एक बार तो लिख दो आप, कुत्ता लिख लेते हैं और दूसरा हमारे पास खरगोश। तो खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, तो 7 छलांग खरगोश की, और तो कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है, तो यहाँ पर टाइम हमारे पास सेम है, उतनी ही देर क्या रखा है, तो मतलब टाइम हमारे पास सेम है, और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
स्पीड इज इक्वल टू माई डिस्टेंस अपॉन माई टाइम। तो यहाँ पर देखो टाइम सेम है, तो टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेंगे। स्पीड इज इक्वल टू माई डिस्टेंस हो जाएगा टाइम अगर हमारे पास सेम है तो। इस बात ने एक बार गौर ना करना, अगली जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। खरगोश द्वारा 6 छलांग में, यहाँ पर खरगोश है, यहाँ पर कुत्ता है। खरगोश द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी कुत्ते के 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते की 5 कूद, खरगोश की 6 कूद, दोनों की दोनों बराबर है। तो मैं मान कर चलो इनका एक एलसीएम ले लिया मैंने 30, 6×5 30, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। तो मैं मान कर चलो कि 30 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है 30 मीटर, और जो कि कवर करना है खरगोश ने और कुत्ते ने। तो कुत्ता कितनी, सॉरी खरगोश कितनी कूद लगा हुआ 30 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो 30/6 कर दूंगा तो 6×5 30, तो खरगोश कितनी कूद लगा होगा 5 कूद, ठीक है। मतलब क्या आया, एक कूद में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, एक कूद में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 6×5 30 टोटल 30 मीटर कर लेगा। उसी तरीके से कुत्ता कितनी कूद लगा होगा, या फिर कुत्ता एक कूद में कितना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 30/5 तो 5×6 30 तो 6 मीटर डिस्टेंस, समझ गए बात में। तो यहाँ पर हमने टोटल मान के चला, हमने डिस्टेंस कवर करना कुत्ते और इसने 30 मीटर, तो कुत्ता एक कूद में कर रहा है 5 मीटर डिस्टेंस कवर, और जो सॉरी खरगोश एक कूद में कर रहा है 5 मीटर डिस्टेंस कवर, जो खरगोश की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और जो कुत्ता है एक कूद में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 मीटर। मतलब क्या है, वो कुत्ते की कूद बड़ी है, मतलब अगर खरगोश और ये कुत्ता है तो यहाँ पर खरगोश तो इतना कूद रहा है 5 मीटर पर, और कुत्ता कितना कूद रहा है एक ही स्टेप में 6 मीटर कूद रहा है। तो ये बात आप समझ के चलो, यहाँ पर क्या था हमारे पास, कुत्ते उतनी देर में 6 छलांग यहाँ पर कूद दे रखी थी, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे हमें यहाँ पर। डिस्टेंस क्या हुआ, देखो 6 कूद दे रखी है, एक कूद में कर रहा है खरगोश 5 मीटर, तो 6 कूद में कितना करेगा 6×5 30 आ जाएगा रेशियो। खरगोश कितनी कर रहा है 7 कूद कर रहा है, तो 7 कूद में कितना आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 83। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता, कुत्ता क्या कर रहा है खरगोश का पीछा कर रहा है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। मतलब कुत्ते मतलब टाइम हमारे पास टाइम फ्रेम सेम है, टाइम हमारे पास सेम, तो उस टाइम में क्या कर रहा है 7 छलांग लगा रहा है कौन सा कुत्ता। तो हमारे पास मान लो यहाँ पर सॉरी खरगोश, तो खरगोश को मान लेता हूँ मैं रैबिट आर लेकर चल रहा हूँ, और जो कुत्ता हमारे ऊपर डी लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पर डी लिख देता हूँ। तो रैबिट की 7 कूद और अपने पास जो कुत्ता है उसकी 6 छलांग, मतलब 6 कूद, दोनों के दोनों क्या करें। अगर मैं उसको कहूँ कि एक मिनट में रैबिट 7 कूद लगा लेता है और डॉग 6 कूद लगा लेता है, मतलब 6 स्टेप मतलब यह कूदता है, तो उस टाइप में आप इसको लगा के चल सकते हो। उसके बाद जो अगली बात आती है, खरगोश द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। तो हमारे पास एक तो रैबिट है यहाँ पर और एक है डॉग, तो खरगोश द्वारा 6 छलांगों में तय की गई दूरी, तो मतलब 6 छलांग मतलब 6 कूद यहाँ पर लिख लिया कि तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांगों में तय की गई दूरी के बराबर है। तो हमने ये दोनों बराबर ले लिए, ठीक है, 6 कूद इसके 5 कूद के बराबर। तो मैं अगर यहाँ पर एक इनका एलसीएम लूँ 6×5 30, तो मैं अगर टोटल एक मान कर चलूँ कि मेरे को 30 मीटर डिस्टेंस इनको कवर कराना है, और ये 6 कूद ले रहा है उसमें, तो एक कूद में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। सिंपल सी बात है, 30/6 कर देंगे जो कि आ जाएगा 5 मीटर के बराबर। तो रैबिट जो है हमारे पास एक कूद में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसी के बाद बस इसका एलसीएम लिया हमने और कुछ नहीं लिया। उसी के बाद अगर मैं डॉग की लेकर चलूँ, तो डॉग एक कूद में कितने मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो 30/5 कर दे 5×6 30, तो एक कूद में वो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और 5 कूद में करता 6×5 30, जो कि हमने टोटल में बजाना है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि रैबिट एक कूद में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जो डॉग है हमारे पास वो एक कूद में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। बस यहाँ पर जो कूद की जो वैल्यू है ना हमने वो लिख देनी है। तो रैबिट जो हमारे पास क्या आ जाएगा, रैबिट आ जाएगा अपने पास 7/7 कूद, तो कूद की जो वैल्यू मतलब जंप की जो वैल्यू है कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पर रैबिट, 5 मीटर, तो गुणा में 5 आ जाएगा। डॉग कितने कर रहा है 6, जंप की जो वैल्यू एक जंप में कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 6, तो 7×5 35 6×6 36।
जो है रेशियो आई है भी या जो आई है डिस्टेंस की रेशियो, समझ रहे हो, या आई है डिस्टेंस की, क्योंकि हमारे पास 7 कूद थी, 1 कूद में 5 मीटर, तो हमारे पास 35 मीटर है, 36 मीटर आ गया। डॉग सेम टाइम फ्रेम में 36 मीटर करेगा और रैबिट उसे सेम टाइम फ्रेम में 35 मीटर करेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टाइम सेम है और स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर है। ये भी यहाँ पर टाइम सेम है ना, टाइम ने 1 लेगा, चलो टाइम ने बेशक काट दें आधा, तो स्पीड और डिस्टेंस हमारे पास सेम होंगे, मतलब जो डिस्टेंस का जो रेशियो वो स्पीड के बराबर आएगा, तो स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा 35:36 के बराबर। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको थोड़ा समझ के करना, ठीक है। जो पहली बात हमने लेकर चलनी है यहाँ पर, बस एक दो लाइन देख रहे हैं, मैंने खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है उतनी देर में डॉग जो कुत्ता है वो 6 छलांग लगाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फुर्ती है, ज़्यादा छलांग लगा, इसमें कम फुर्ती है। उसके बाद जो कह रहा है खरगोश की 6 कूद डॉग की 5 कूद के बराबर, तो हमने ले लेते, हमने एक मिनिमम डिस्टेंस लेकर चले जो कि हमने इनका दोनों का कैल्शियम लिया 6×5=30 के बराबर, ताकि हमें पता लग जाए कि इसकी एक कूद में कितने मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 6×30=6 डिवाइड करें 6×5=30, एक कूद में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 30×5 तक करें तो एक कूद में 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कौन, कुत्ता। तो बस ये कूद हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, डिस्टेंस स्पीड के सेम है क्योंकि हमारे पास टाइम फ्रेम सेम है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना था और ये हमने मेरे ख्याल में मैंने आपको ये समझा दिया अच्छे तरीके से। तो उसके बाद दो टाइप के और क्वेश्चन रह गए हैं इसमें वीडियो में, अभी तक इतना 83 क्वेश्चन तक हो गए हैं, आगे वीडियो में हम और आगे करेंगे, तब तक के लिए।